हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है एकदम डिफरेंट है। आज हम करने वाले हैं क्रोम के ऊपर क्रोम नेल आर्ट विद आइसोलेटेड नेल आर्ट, जिसे कि हम आइसोलेटेड क्रोम भी बोलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि इसमें हम पिगमेंट, ब्रश आर्ट, क्रोम तीनों का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। और सबसे मेन जो रोल रहेगा गाइस इस नेल आर्ट में हमारी, वो है हमारी राइनस्टोन ग्लू का, क्योंकि राइनस्टोन ग्लू जो होती है वो बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है। क्योर होने के बाद वो सोक ऑफ होती है, उससे क्या होता है कि हमारे जो क्रोम का रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर एक मिरर इफेक्ट रिफ्लेक्शन आता है। तो मेक श्योर अगर जिसके पास नहीं है, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा आप हमसे बाय कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है पैन इंडिया में। और जो प्रोडक्ट मैंने आज यूज़ करे हैं नेल एक्सटेंशन में और नेल आर्ट में, आइए मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का नेल आर्ट, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरा के पूरा नेल आर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक भी स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि एक स्टेप के साथ दूसरा स्टेप कनेक्टेड है। जहाँ पे आपने स्किप करके वीडियो देखी या आपने बहुत फास्ट मोड पे देखी वीडियो तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वाले नेल आर्ट के साथ कनेक्ट करके आप आगे भी बहुत सारे नेल आर्ट कर सकते हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज़ होने वाला है हमारा टिप यूज़ होने वाला है। टिप के साथ में हमारी ग्लू, नेल कटर, टिप क्लिपर और जो लैम्प यूज़ करने वाले हैं आज, हम ये दो लैम्प यूज़ करने वाले हैं। दो तरीके के आपको इसमें लैम्प चाहिए ही चाहिए, तो ध्यान रखना कि इस तरीके के लैम्प ज़रूर ले लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बफिंग में जो है आपका एमरी बोर्ड एंड ब्लोबफर आपका साथ देगा। जेल कर रहे हो तो आप जेल और स्ट्रेंथनिंग पाउडर, एक्रेलिक कर रहे हो तो मोनोमर और एक्रेलिक पाउडर ले लेना। आपका पूफी ब्रश, एसीटोन फ्री ये कुछ लेंस हैं, साथ में हमारी ये प्लेट है जिसके ऊपर हमने कलर यूज़ किया है। और ब्रशेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जेल ब्रश, हमारा आई शेडो एप्लीकेटर, नेल आर्ट का ब्रश, पिगमेंट ब्रश, अगेन नेल आर्ट का ब्रश एंड पोलका डॉटिंग टूल, इन सबका यूज़ करने वाले हैं टूल्स में आज हम। क्रोम हम दो कलर के यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा मिरर इफेक्ट ग्लास इफेक्ट क्रोम है और साथ में सॉलिड डल गोल्डन क्रोम है। ये कुछ पर्ल्स हैं जो कि हाई शाइन पर्ल्स लुक है, ये यूज़ करने वाले हैं। पिगमेंट यूज़ करने वाले हैं, साथ में हमारा प्राइमर जेल, यूवी टॉप कोट, बेस कोट नहीं लगाएंगे हम इसमें। साथ में हमारी जो है ब्लैक जेल पॉलिश है, कलर जेल पॉलिश जो है हमने बेस में लगानी है वो है, और हमारा क्यूटिकल ऑयल और साथ में टॉप कोट। तो ये जो सारा प्रोडक्ट है ये आपको इस नेल आर्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखना और इन सब प्रोडक्ट्स में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना होगा तो आप हमें जो है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करें हमारा एक न्यू ट्यूटोरियल। सो गाइज, हमने नेल एक्सटेंशन ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, ये जेल नेल एक्सटेंशंस हैं। और सबसे पहले हम जो है इन नेल एक्सटेंशन को रेडी कर लिया हमने, शेप कर लिए, बफिंग कर ली, एपेक्स क्रिएट करके और कलर एप्लीकेशन करेंगे। मैं एक बेस कोट लगा रही हूँ जो कि निहाओ का बेस कोट है, बहुत ही प्यारा कलर है। इसके ऊपर आप कोई भी क्रिएटिविटी करते हो तो बहुत एनहांस होकर आता है। इवन दो ये कलर अगर आप प्लेन भी अप्लाई करते हो तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके हमने सभी नेल्स के ऊपर इसे जो है अप्लाई कर देना है और क्योर करवा देना है। क्योर करवाने के लिए गाइस आपके पास लैम्प जो है कम से कम 48 वॉट की ज़रूर होनी चाहिए, या तो इससे अबव की, इससे कम की वॉट में अच्छे से क्योर नहीं होता है। इसे क्योर कराने के लिए एटलीस्ट 90 सेकेंड ज़रूर क्योर कराना है। सो गाइज, इसी तरीके से हमने दो कोट अपनी जेल पॉलिश के लगा दी थी और क्योर करा दिया था। और अब मैं वाइट जेल पॉलिश के साथ यहाँ पर पोलका डॉटिंग टूल क्रिएट कर रही हूँ। और पोलका डॉटिंग टूल का ना गाइज सबसे बड़ा आपने ध्यान रखना होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बहुत थिक करके प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करता है पोलका डॉटिंग टूल एकदम से। तो आपने ब्रश आर्ट की हेल्प से इस तरीके से अपना फ्लावर क्रिएट कर लेना है, क्योंकि मुझे पता था फ्लावर क्रिएट करना है इसलिए मैंने पोलका डॉटिंग टूल की हेल्प ली। अगर आप नहीं हैं कम्फर्टेबल पोलका डॉटिंग टूल के साथ तो आप डायरेक्ट ब्रश के साथ भी अपनी ये जो आर्ट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई अभी बफिंग नहीं करी, आप देख सकते हो नेल पेन की शाइन काफ़ी अच्छी आ रही है। और वाइट जेल पॉलिश के साथ सिंपली जो है बस मैंने अपनी ब्रश आर्ट करके छोड़ दी है जिन जिन नेल पे मैंने अपनी ब्रश आर्ट करनी थी, और इसे हमने जो है क्योर करा देना है और सिंगल कोट ही अप्लाई करना है गाइज वाइट का, सेकेंड कोट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और इसे क्योर कराने के बाद यहाँ पर पिगमेंट का यूज़ कर रही हूँ और साथ में एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर ब्रश बहुत हेल्प करता है आपकी जो प्रोडक्ट है उसे एक ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए, शेडिंग देने के लिए। तो इस तरीके से हल्का सा आपने ब्लेंडिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द फ्लावर में,
बिल्कुल फ्लावर के बीच में आपने हल्का सा अपने जो है अपने ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर देना है ताकि उसमें टोनिंग भी आ जाए थोड़ी सी। ये पिंक रेड कलर का पिगमेंट यूज़ किया है और इसके बाद मैं यूवी टॉप कोट लगा रही हूँ पूरे के पूरे नेल के ऊपर, क्योंकि पिगमेंट को तो हमें अलग से क्योर कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ वाइट एरिया पर पिगमेंट दिया और यूवी टॉप कोट लगाई और इसे क्योर करवा रही हूँ। अभी हम 90 सेकंड कम से कम क्योर करवाएंगे और इसे क्योर कराने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब अप। तो यहाँ पर आपने एमरी बोर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई हार्ड बफर यूज़ करना है, सॉफ्ट ब्लॉब अपर का यूज़ करना है इस तरीके से, बहुत ही लाइट हैंड से अच्छे से पूरे के पूरे नेल की डस्ट जो है क्लीन कर लेनी है और जो शाइन है सिर्फ और सिर्फ वो रिमूव होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा वाइट या फिर मेरा पिगमेंट एरिया से पूरा एरिया ड्राई तो हो चुका है लेकिन कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक जेल पॉलिश ले रही हूँ और अपनी यूवी टॉप कोट ले रही हूँ। यूवी टॉप कोट जो है जहाँ जहाँ पर मैंने वाइट एरिया पिगमेंट दिया है अपने ब्रश की हेल्प से, थोड़ा ब्रॉड ब्रश की हेल्प से जो है यहाँ पर यूवी टॉप कोट दे रही हूँ और इसे सिर्फ और सिर्फ अभी मैं यूवी टॉप कोट ही दे रही हूँ, इसमें कोई मैंने कलर मिक्स नहीं किया है। और इसे क्योर करा देंगे कम से कम 50 सेकंड्स के लिए। 50 सेकंड क्योर कराने के बाद यहाँ पर हम इस पर जो है अप्लाई करेंगे हमारा क्रोम। सो देखिए जब हमने क्रोम अप्लाई किया ना तो आप देखो जहाँ, क्योंकि पूरा नेल मेरा ऑलरेडी ब्लॉब अप था, ड्राई था, तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मैंने यूवी टॉप कोट लगाई सिर्फ वहीं पर ही हमारा क्रोम का रिफ्लेक्शन आया। और इसके साथ साथ बाकी नेल के ऊपर भी यूवी टॉप कोट लगा देंगे हम डायरेक्टली और इस यहाँ पर क्योर कराएंगे 40 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पर गाइज हमने जो यूवी टॉप कोट लगानी है बिल्कुल पतली पतली कोट करके क्योर करा के 40 सेकेंड और डायरेक्टली इस तरीके से मिरर रिफ्लेक्शन क्रोम कर देना है जो अभी हमने अपने फ्लावर्स के ऊपर किया। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरे नेल के ऊपर जो है क्रोम देना था तो आप देख सकते हो मैंने पूरे नेल के ऊपर यूवी टॉप लगाई थी। और अब मैं यहाँ पर राइनस्टोन ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। राइनस्टोन ग्लू को जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ क्यूटिकल एरिया में अप्लाई करना है और क्यूटिकल एरिया में अप्लाई करने के बाद जो है अपना पर्ल्स जो हैं प्लेस कर देने हैं। और ये जो पर्ल्स गाइज हम प्लेस करेंगे ना तो मेरे को सिर्फ पर्ल्स प्लेस नहीं करने हैं, यहाँ पर ना मुझे आइसोलेटेड क्रोम भी जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे करना है। पर्ल पहले हमने अपनी राइनस्टोन ग्लू जो है लगाकर इसे प्लेस कर दिया है ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर लिफ्ट ना हो। वैसे तो राइनस्टोन ग्लू इतनी हार्ड होती है कि वो अपनी जगह से हिलती नहीं, बट स्टिल हम रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इसलिए मैंने क्यूटिकल एरिया पे जो है एकदम साइड करके यहाँ पर अपने पर्ल्स अप्लाई कर दें और इसे जो है हमने लैम्प के साथ क्योर करा दिया ताकि हमारे जो पर्ल है वो अपनी जगह से बिल्कुल। पर्ल लगाने के साथ साथ ना गाइज मैंने ना बाउंड्री भी बना दी थी और उसे भी क्योर करवा दिया था साथ में ही। और अब उस बाउंड्री को देखो मैं गोल्डन क्रोम कर रही हूँ तो जहाँ पर मेरी राइनस्टोन ग्लू थी सिर्फ वहीं वहीं पर ही हमारा गोल्डन का रिफ्लेक्शन आया, क्योंकि बाकी नीचे नेल में तो ऑलरेडी क्रोम हमारा है ही मिरर रिफ्लेक्शन वाला, तो गोल्डन जो है सिर्फ आउटलाइन पे आया। और अब जो है इसे यूवी टॉप कोट लगा के कंप्लीट कर लेंगे इस नेल को अभी, क्योंकि बाकी नेल हमारे बचे हैं तो टिल देन हम इन तीन नेल्स को जहाँ पर हमने आइसोलेटेड क्रोम किया है उसे क्योर कर लेंगे और बाकी जो नेल हमारे बचे हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक जेल पॉलिश ले रही हूँ और अपना ब्रश आर्ट यूज़ कर रही हूँ डिंसी का और इसे जो है हम आउटलाइन करेंगे हमारे फ्लावर की जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपने देखा था क्रोम करके ऑलरेडी रखा हुआ था। तो पहले हमने वाइट किया था, फिर पिगमेंट, फिर यूवी टॉप कोट और उसके साथ में फिर हमने ब्लॉब ऑफ किया। ब्लॉब ऑफ करने के बाद में क्रोम किया था हमने यूवी टॉप कोट लगा के वाइट एरिया पे और उसके बाद में अब जो है ब्लैक जेल पॉलिश के साथ में आउटलाइन कर रही हूँ जो कि हमारी सोक ऑफ जेल पॉलिश है और इसे क्योर करा देंगे। क्योर कराने के बाद देखिए इसके ऊपर भी मैं गोल्डन क्रोम करूँगी ताकि पूरा के पूरा एक मैचिंग का पूरा वाइब बन जाए इसका, ऐसा ना लगे कि कुछ अलग लग रहा है। तो ये 3D रिफ्लेक्शन देता है गाइज जब हम इस तरीके से अपने फ्लावर्स को क्रिएट करते हैं ना तो एकदम से ये 3D का रिफ्लेक्शन आता है। आप देख सकते हो कितना उठा उठा हुआ लग रहा है। और अब मैं अपना राइनस्टोन ग्लू मैंने सेंटर में रखी है फ्लावर के और यहाँ पर भी मैं पर्ल जो है अप्लाई कर दूँगी और क्योर करा दूँगी। और अब मैं नेल्स के ऊपर लगाऊंगी यूवी टॉप कोट ताकि मेरा जो क्रोम है, डबल क्रोम है, मेरा राइनस्टोन पर्ल जो मैंने अप्लाई किया वो प्रॉपरली लॉक हो सके, पूरा के पूरा नेल आर्ट मेरा कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो शाइन है वो कितनी अमेजिंग आ रही है और फ्लावर कितना उठा हुआ लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि ब्रश आर्ट में हमने 3D रिफ्लेक्शन का लुक दे दिया है हमने अपनी नेल आर्ट में। इसे क्योर करा देंगे एंड क्योर कराने के बाद जो है इसे हमने अच्छे से जेल वाइप करना है ताकि हमें पता लग सके, क्योंकि
हमने आइसोलेटेड क्रोम किया कि कहीं से हमारा क्रोम रिमूव तो नहीं हो रहा है, तो आपने अपने टिश्यू पेपर से एस्ट्रॉन फ्री लेकर अच्छे से टाइटली हैंड से क्लीन करना है। और दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये नेल आर्ट। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू व्यूवर हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास हमारी अगली ट्यूटोरियल वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।